तो ये तैयार हो चुकी है, ये देख लो पूरा तैयार हो चुकी है ये। और चलिए इसको चलते हैं छोड़ने नीचे, इसकी वैन आने वाली है, चलें? हाँ। चलो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं राधा को छोड़कर आ चुकी हूँ और दूध ले लिया है और बाकी भी घर पे जाके नाश्ता बनाना, तो चलो चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं। दिन पूरा दिन आज पार्टी करने वाला है और बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो फिलहाल चलते हैं घर। क्या बना रही हो मेरे लिए और दादी के लिए? बेटे मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न्स की, मतलब भुट्टे की चाट। भुट्टे की चाट? हाँ हम बनाएंगे आज भुट्टे की चाट। ये भुट्टा है, ये हमने भुट्टा लिया 50 रुपए किलो, नहीं 50 का 2.5 किलो हमने लिया है भुट्टा। तो कुछ तो हमने ऐसे ही खा लिया भून के और कुछ हम बनाने जा रहे हैं इसकी चाट। ना बड़ा है और ये देखो इसको कितना एक एक दाने वाला है और इसको देखो कितना सारा है। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ तो फटाफट से कर लेते हैं उसको, बॉईल करेंगे सबसे पहले हम। हाँ उबालेंगे इसको। हाँ और फिर बनाएंगे इसकी चाट। चाट मुझे तो नहीं खाना है। आपको नहीं खाना? क्यों, आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मैं तो ऐसे कच्चा ही खा लूंगी इसे। अच्छा चलो ठीक है, ताकि उसको उबलने में दिक्कत ना हो। और फिर इसको उसके अंदर डाल देंगे हम। तो ये हमने डाल दी कुकर में, अब इसको बॉईल कर लेते हैं फटाफट से। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर नमक डाल के फिर बॉईल करेंगे, तो इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। आपके पास मक्खन हो तो मक्खन भी डाल सकते हो, नहीं तो मक्खन आप बाद में भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद बनाएंगे इसकी रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप देखना, वीडियो को स्किप मत करना गाइस, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना और शेयर ज़रूर करना हमारी वीडियोस को। ओके है, और मैंने भुट्टे में से जो सारे निकाल दिए अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेमन, ये लेमन डालेंगे इसमें। क्या डालेंगे? लेमन। लेमन लेमन को स्क्वीज कर लेते हैं। तो इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छा सा। हमने ज्यादा नहीं बनाया इस वजह से, आधा डाला है, अगर ज्यादा बनाओगे तो आप पूरा एक डाल सकते हो। तो फाइनली ये हमारा नींबू भी हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे मिंट की कुछ कुछ पत्तियां डालेंगे, मिंट की पुदीने की पत्ती जो होती है ना वो डालेंगे। तो इसको हम तोड़ के डालेंगे ऐसे, ये ना फ्लेवर बहुत अच्छा लाएगी, डालेगी। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है कटोरी के अंदर, दिख रही है? तो ये हमने पुदीने की पत्ते डाल दी है इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। अब हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, दिखाओ भाई, इतनी थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, लास्ट ये काला नमक होता है ना, हाँ वो डालेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अब हम डालेंगे चाट मसाला, ये है चाट मसाला, ये है चाट मसाला। तो फटाफट से हम चाट मसाला भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये चटपटा होने वाला है, चटपटा होने वाला है भाई, बहुत तगड़ा चटपटा होने वाला है। हाँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था ना चटपटा खाने का। हाँ तो अब इसको ना हम मिला देते हैं, मिलाने के लिए चाट ला, ये हमने चम्मच ले लिए, तो इसको मिलाया जा रहा है क्योंकि आज ये बहुत चटपटा बनने वाला है। तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे तो पसंद है। हमारा मन कर रहा है देखने के खाने के, खाने का। हाँ तो ये है ग्रीन चटनी। अब हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें ग्रीन सॉस। हाँ और ये है तभी तो बनाना है, और ये है रेड सॉस। तो छोटा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ग्रीन सॉस, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालेंगे। हाँ कि ज्यादा चटनी का मीठा हो जाए। हाँ और इसमें डालेंगे हम रेड सॉस, टोमेटो सॉस, रेड टोमेटो सॉस।
गाय सबसे हम मटर सिर्फ एक ही चम्मच डालेंगे। डाल हाँ ज्यादा नहीं डाल सकते। सकते हो अगर मन करे तो खाने का। हाँ मुझे ज्यादा तीखा तो खाना नहीं है, सीधा सा नहीं है, हम तो पूरा चम्मच भर के ही डाल रहे तो ये हैं। हमने रेड सॉस डाल दी इसके अंदर, अब हम सबको मिक्स कर देंगे। हाँ चलो मिक्स बहुत कर। मजेदार होने वाली गाइस, और हेल्दी भी होने वाली है। हाँ क्योंकि कौन तो ऐसे भी हेल्दी होता है बारिश के टाइम और सारे टाइम पे। तो आप देखो इसका कलर इतना इनहेंस हो गया, सुंदर लग रहा है देखने। मेरा भी मन कर रहा है खाने का भाई। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमारी ये चाट रेडी है। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, टमाटर प्याज कुछ भी डाल सकते हो आप। जब आई रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो कलरफुल ले रहा दिया। मम्मी आप भी खाओ। तो फिलहाल अब तो हम लोग भी खाते हैं। गाइस बहुत ही टेस्टी है, यम्मी चटपटी। तो गाइस मैं तो मेयोनीज डालने जा रही हूं। तो ये ना आप क्या करने वाली है, ट्विस्ट करने वाली है इसमें, अपनी चाट में मेयोनीज डालने वाली है। और खराब हुआ ना फिर बताऊंगी। डालो तो मुझे चम्मच, पहले मैं थोड़ा सा लूंगा, तब उसमें मैं मेयोनीज, उसमें मेयोनीज ऐसी खाली मिक्स कर रहे हो उसमें पूरी, कौन सी मिक्स कर ले ये सब में, इनमें सब में। अरे ये पहले ट्राई तो कर लूँ। ओ भाई साहब पहले ट्राई करेंगे फिर मिलेंगे सब में। ये तो बिल्कुल भी तीखा ही नहीं लग, बड़ा मस्त है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। कौन देखो मुंह में पानी आ गया ही नहीं आया, आ जाओ खा लो, आपको भी तो खिलाना जरूरी है हमारे कौन चटपटे रसीले। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और वीडियो को यार फैला डालो, सब जगह फैला डालो यार, शेयर करो वीडियो को, शेयर करो और हमें सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। हेलो फ्रेंड्स, जोर सोल हेलो फ्रेंड्स, आप सब